नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अनबायस्ड BJT और वीकेंड सदट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के। इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमने देखा कि इसमें जो एरिया है वो एरिया और डोपिंग लेवल दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इन दोनों के जो साइज एंड डोपिंग लेवल क्या है, डिफरेंट है। सो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमें क्या मिलते हैं, दो जंक्शन मिलते हैं। ये क्या है हमारा इमीटर, इट इज आर बेस एंड इट इज आर कलेक्टर। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इमीटर पर डोपिंग क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कलेक्टर पर डोपिंग उससे कम होती है, और बेस पर जो डोपिंग है वो क्या है, बहुत बहुत कम होती है। सेम एज जो इमीटर का एरिया है वो बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा होता है, और जो कलेक्टर का एरिया है वो इन दोनों से, बेस इमीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। पर जो बेस है उसका एरिया क्या होगा, वो कलेक्टर और इमीटर दोनों से क्या होता है, कम होता है। सो ऐसे सिचुएशन में जब हमने जब ये इसको इम्प्लीमेंट किया, हमें क्या मिल रहे हैं, दो जंक्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज JE जंक्शन, सेकेंड वन इज JC जंक्शन। क्लियर है। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर और वी कैन से दैट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये दोनों जंक्शन जो है क्या है, ये पूरा डिवाइस क्या है, सिलिकॉन से बना हुआ है, तो इस जंक्शन की वैल्यू जो होती है, बैरियर पोटेंशियल जो होगा वो 0.7 वोल्ट होगा इन केस ऑफ सिलिकॉन, और इन केस ऑफ जर्मेनियम इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.3 वोल्ट। मतलब अगर ये सिलिकॉन से इम्प्लीमेंटेड है तो दोनों जंक्शन का जो बैरियर पोटेंशियल होगा दैट इज 0.7 वोल्ट, और अगर इंडिविजुअल 0.7 वोल्ट, और अगर ये क्या है जर्मेनियम से इम्प्लीमेंटेड है तो दोनों जंक्शन का इंडिविजुअल पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो क्या होगा, 0.3। इस वोल्टेज के कारण कोई भी चार्ज कैरियर क्या है, यहाँ से यानी इमीटर से बेस पर या बेस से इमीटर, इमीटर टू कलेक्टर एंड सो ऑन मूव नहीं कर सकता। जनरली यहाँ पर डोपिंग लेवल डिफरेंट होने के कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ इन दोनों जंक्शन पर अलग अलग होती है। दैट मीन्स कि हमें पता है कि जो हमारा इमीटर जंक्शन है, इस इमीटर जंक्शन में या इमीटर पोर्शन में, इमीटर रीजन में, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या डोपिंग लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई डोपिंग लेवल ज़्यादा होने से इस साइड जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। पर हमें पता है बेस पर क्या है, डोपिंग बहुत बहुत कम है। दैट इज़ वाई इस JE जंक्शन की जो विड्थ है, JE जंक्शन की जो विड्थ बेस पर होगी वो क्या होगी, एज कम्पेयर टू इमीटर ज़्यादा होगी। सेम इस कलेक्टर पर जो डोपिंग है वो बेस के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए कलेक्टर साइड जो डोपिंग, जो विड्थ है इस पर्टिकुलर JC जंक्शन की वो क्या होगी, कम होगी, वेयर एज इन बेस साइड इसकी विड्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसकी विड्थ जो है वो क्या है, दोनों साइड बेस का एरिया पहले से ही कम है, एज वेल एज दोनों जंक्शन की विड्थ क्या होती है, बेस पर बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर बेस पर का कोई भी चार्ज कैरियर कहाँ पर, इमीटर या कलेक्टर पर मूव नहीं कर पाता। सेम एज जो कलेक्टर इमीटर है, इमीटर पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा है, पर बेस साइड उसकी विड्थ क्या है, ज़्यादा है। सो JE जंक्शन के कारण कोई भी इमीटर का चार्ज कैरियर, जब तक हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, कोई भी चार्ज कैरियर बेस पर मूव नहीं कर पाता। सेम एज कलेक्टर जो है, कलेक्टर पर भी जब तक हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, हमारा कोई भी चार्ज कैरियर क्या होगा, बेस पर मूव नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाते, तब तक कोई भी चार्ज कैरियर इसमें से फ्लो नहीं होता। सो नेट करंट, इसमें से जो फ्लो होने वाला नेट करंट है वो ज़ीरो रहता है। इट मीन्स कि एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो अनबायस्ड BJT हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। सो इसके लिए हमें इस BJT को यूज़ करने के लिए और इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, बायस करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायसिंग ऑफ BJT की बायसिंग्स। चलिए हम देखते हैं। जब भी हम
ट्रांजिस्टर पर या BJT पर क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इससे ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। अब एक्सटर्नल वोल्टेज हम किस वे में अप्लाई कर सकते हैं, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट कि हमारे पास एक नॉर्मल जो BJT है इसमें क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं, वन इज इमीटर, सेकेंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज कलेक्टर, क्लियर है। और इसमें 2 जंक्शन होते हैं JE एंड JC, क्लियर है। हमारे पास क्या है, 2 जंक्शन है और 3 टर्मिनल है। सो इन 2 जंक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स करने के अक्रॉस, ठीक है, इन 2 जंक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स होने की अकॉर्डिंग ही ट्रांजिस्टर के डिफरेंट ऑपरेशन या मोड ऑफ ऑपरेशन डिसाइड किए गए हैं। सो इनके मोड ऑफ ऑपरेशन जनरली क्या है, 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, जनरली ये 4 हैं पर मोस्ट ऑफ जो यूज़ होते हैं दैट इज 3, क्लियर है। तो अगर हम इसके मोड ऑफ ऑपरेशन देखें तो मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है कि जब JE और JC दोनों जंक्शन हैं, इन दोनों के अक्रॉस हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर JE जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, और JC भी क्या है, फॉरवर्ड है, दोनों जंक्शन क्या होते हैं, अगर हमारे फॉरवर्ड है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज सैचुरेशन रीजन, यानी हमारा जो BJT है वो किस पे वर्क करेगा, सैचुरेशन रीजन पे। अगर हमारा JE क्या है, फॉरवर्ड है और JC क्या है, रिवर्स है, ऐसे सिचुएशन में हमारा जो BJT है वो वर्क करता है एक्टिव मोड में, ठीक है, वो किस में वर्क करेगा, एक्टिव मोड में। वेयर एज अगर हमारा JE क्या है, रिवर्स है, एज वेल एज JC भी क्या है, रिवर्स है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो BJT है वो कट ऑफ मोड में वर्क करेगा, क्लियर है। सो आई होप आपको ये तीनों मोड क्लियर होंगे कि जब हम JE जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और JC को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हमारा BJT सैचुरेशन मोड में वर्क करेगा, जब JE फॉरवर्ड होगा JC रिवर्स होगा तो वो एक्टिव मोड में वर्क करेगा, जब JE और JC दोनों क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कट ऑफ मोड। एक और मोड होता है दैट इज कि अगर JE रिवर्स हो और JC फॉरवर्ड हो, ऐसी सिचुएशन में इसे कहा जाता है रिवर्स एक्टिव मोड, ठीक है, इसे कहा जाएगा रिवर्स एक्टिव मोड। पर जनरली ये 3 मोड ही क्या किए जाते हैं, प्रिफर किए जाते हैं। जब हम BJT को एज एन एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें JE जंक्शन को फॉरवर्ड और JC जंक्शन को रिवर्स करना होता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमें हमारे BJT को एक्टिव मोड में रखना होता है, यानी जब ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक अ एम्पलीफायर, तो हमारा BJT किस में होना चाहिए, एक्टिव मोड में होना चाहिए, या फिर हम कहें फॉरवर्ड एक्टिव मोड, इसे हम क्या कह सकते हैं, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, क्लियर है। नाउ अब इसे फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है कि एट अ टाइम हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 टर्मिनल है, इन 3 टर्मिनल को हमें बायस करना है, तो हमें किसी भी एक टर्मिनल को क्या करना होता है, हमें एक टर्मिनल को कॉमन लेना होता है। तो जब हम मान लीजिए ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, तो NPN ट्रांजिस्टर में हमें इस JE जंक्शन को अगर फॉरवर्ड करना है तो इस P टर्मिनल को पॉजिटिव से और N को किससे, नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा, तो ये हमारा पहला जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। सेम एज इस जंक्शन को भी क्या करना है, फॉरवर्ड, तो हमें P को क्या करना होगा, बैटरी के पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये ट्रांजिस्टर, ये BJT क्या हो गया है, सैचुरेशन मोड में वर्क कर रहा है। नाउ सेकेंड इज कि मान लीजिए हमारा जो BJT है, इट इज़ आर BJT, क्लियर है, हम सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट हमने ब्लॉक वे में रिप्रेजेंट किया, ये हमारा क्या है, NPN है, तो ये N, इट इज P एंड N, क्लियर है, इसे फॉरवर्ड एक्टिव मोड में रखना है। तो फॉरवर्ड एक्टिव के लिए GA वाला जंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, तो हमने क्या किया, इसका N को नेगेटिव से और P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। देन सेकेंड कलेक्टर बेस क्या होना चाहिए, रिवर्स, तो हमने इसे क्या किया, N को पॉजिटिव से और P को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो यह हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, यह हो गया हमारा सैचुरेशन, यह हो गया हमारा फॉरवर्ड एक्टिव,
ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड एक्टिव। और रिवर्स के लिए, रिवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों बैटरी को जस्ट अपोजिट करना होगा, यानी दोनों रीजन क्या होने चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, दैट इज N, इट इज P एंड इट इज N, ठीक है, इट इज N, क्लियर, ये हमारा बेस। तो हमें दोनों को ही क्या करना है, रिवर्स। तो इसे रिवर्स करने के लिए बैटरी का पॉजिटिव हमने किससे कनेक्ट किया, इमीटर से, बैटरी का नेगेटिव बेस से, सेम एज यहाँ पर भी बैटरी का नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा, बेस से, और पॉजिटिव किससे होगा, इमीटर से। सो यह हमारा ट्रांजिस्टर या BJT किसमें आ गया, कट ऑफ में, कट ऑफ मोड में, क्लियर है। आई होप आप सभी को ट्रांजिस्टर के तीनों ऑपरेटिंग रीजन क्लियर होंगे और ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्लियर होगी। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।